नमस्ते दीदी, आज मैं SCG प्रोफाइल भरने के लिए बताऊंगी। इस प्रोफाइल में जितने दीदी होती हैं उन दीदी का आधार का फोटोकॉपी और फोटोकॉपी पर मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम बताते हैं इसमें क्या क्या भरा जाता है। इस फॉर्म में जिला का नाम भरा जाता है, ब्लॉक का नाम, क्लस्टर का नाम, गांव, जिस गांव में समूह बनी है उस गांव का नाम, समूह जो रखा गया है समूह का क्या नाम है उस समूह का नाम, गठन तिथि, जिस दिन यह समूह का गठन हुआ है वह तिथि भराएगा। उसके बाद बचत खाता खोलने की संख्या जो है, खाता खुलेगी तब भराएगा, और इस कौन से ब्रांच का है वो ब्रांच का नाम भराएगा। ये है शॉर्ट में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का भरा हुआ खाता। खुलने के बाद इसमें तिथि लिखा जाएगा खाता खुलते समय। उसके बाद है क्रेडिट लिंकेज खाता संख्या, जो बाद में भरा जाता है, क्रेडिट लिंकेज की तिथि वो भी बाद में भरा जाता है। यह समूह यादव टोला में बना है तो इसलिए यादव टोला में, यह जिस टोले में बनेगा, राम टोला हो, पासवान टोला हो, कोई भी टोला हो, जो जहाँ पे ज़्यादा जाति का होता है टोला उसको वही भरा जाता है। मीटिंग कौन से दिन यह मीटिंग रखे जाएगी इस समूह का वह दिन भरा जाता है। जैसे कि समूह का नाम यह IUC है, IUC का गुरुवार के दिन मीटिंग रखा गया है। साप्ताहिक बचत जीविका का 10 रुपया होता है तो 10 रुपया होगा, और HRF जो आगे चल के HRF 10 रुपया महीना में एक बार दीदी भरती है, वो पोस्ट ऑफिस का नाम भरा जाता है। उसके बाद थाना का नाम भरा जाता है, उसके बाद CM का नाम भरा जाता है, उसके बाद ग्राम संगठन का नाम भरा जाता है, उसके बाद सीरियल नंबर। इस प्रोफाइल में इस समूह में कितने दीदी हैं वो दीदी का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद उनके पति का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद दीदी का जन्म तिथि लिखा जाएगा, उसके बाद गांव का नाम, पूरा पता लिखा जाएगा, उसके बाद शिक्षा, दीदी कौन सी दीदी कितनी पढ़ी लिखी है, मैट्रिक इंटर साक्षर निरक्षर वो भरा जाएगा दीदी का योग्यता को देखते हुए। उसके बाद दीदी का मोबाइल नंबर भरा जाएगा, KYC का प्रकार भरा जाएगा, उसके बाद KYC का नंबर, उसके बाद समूह में जुड़ने की तिथि, किस दिन यह समूह में दीदी जुड़ी है वो तारीख लिखा जाएगा, कैटेगरी, इसमें 12 जो दीदी है वो कौन कौन से जाति के हैं वो भरा जाएगा, SC हो, OBC हो, SC हो, जो भी हो वो भरा जाएगा, और धर्म, दीदी का कौन सा धर्म है वो भरा जाएगा। उसके बाद समूह में पदनाम, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष यहाँ पर चिन्हित किए जाएंगे कि अध्यक्ष रुंता देवी है, सचिव अनामिका कुमारी है, और कोषाध्यक्ष रूबी कुमारी है। इस फॉर्म में पहले हम बता दी है 12 दीदी हैं तो 12 दीदी का आधार लगेगा, आधार पर मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, और दीदी कितना पढ़ी है, साक्षर है तो साक्षर, अगर मैट्रिक है, 8वां है, 5वां है तो वो लिखा रहेगा, जिससे एंट्री करने में आसानी होती है। उसके बाद CM का सिग्नेचर और CC का सिग्नेचर, CC को जमा कर दिया जाता है, वो वहाँ पे ऑफिस में डाल देती है।